एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल आयुरेश व्लॉग्स। सो आज है संडे और ये बन रही है सुबह सुबह गर्मा गर्म चाय और मेरा व्लॉग काफ़ी टाइम बाद आ रहा है। सो गाइस, यहाँ पर मैंने गोभी चढ़ाई हुई है बॉईल होने के लिए और इसमें नमक डाला है पानी में और ये प्याज और टमाटर कट किया है, गोभी और प्याज उसके भिंडी के लिए भी भिंडी मंगाई है। तो रेशान की तबीयत ठीक नहीं है तो वो भिंडी मन से खा लेता है इसलिए मंगाई है, मतलब भिंडी का सीज़न तो है नहीं। और ये मिर्च बस ऐसे ही डालूंगी, मतलब बीच से कट करके छोटा छोटा चॉप नहीं करूंगी, गोभी में डालूंगी, रेशान गोभी नहीं खाता। तो बस ये बॉईल हो जाए फिर इसको फटाफट से बनाऊंगी। सो गाइस, अब मैं गोभी फ्राई कर रही हूँ तो उसके लिए मैंने सरसों का तेल लिया है। उसमें प्याज फ्राई करने के बाद जो गोभी बॉयल हो जाएगी उसका पानी छान करके फिर मैं गोभी और आलू ऐड कर दूँगी, उसको हल्का सा फ्राई करूँगी। देन उसमें मैं ऐड करूँगी सूखे मसाले, जो जो मसाले आप डालते हैं, वैसे मैं तो धनिया पाउडर, लाल मिर्च और हल्दी पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला, थोड़ा सा मीट मसाला, ऐसे मैं डालती हूँ और थोड़ी सी कसूरी मेथी क्रश करके। तो बस मैं इतना ही डालती हूँ और आप जो भी मसाले ऐड करते हैं उनको ऐड कर दीजिए। फिर अच्छे से इनको ढक कर के पका लूँगी, तब तक जब तक ये पकेगी तब तक मैं फिर भिंडी कट कर लूँगी। सो गाइस, गोभी जब तक मेरी पक रही है तब तक मैं फटाफट से भिंडी कट करूँगी। थोड़ी सी भिंडी मंगाई थी मैंने रिशानवर की, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगना है और मैं आराम से रूम में बैठ के कट कर रही हूँ क्योंकि खड़े खड़े ना थकान हो जाती है। तो बस मैं भिंडी कट करके फिर फटाफट से भिंडी भी फ्राई कर दूँगी। तो गोभी मेरी हाफ फ्राई हो, मतलब कुक हो चुकी है, तो उसमें मैं गरम मसाला और ये मीट मसाला ऐड करूँगी, वही मैं आपको दिखा रही थी। और उसके बाद फिर मैं टमाटर ऐड कर दूँगी और थोड़ा सा और इसको ढक कर के पकाऊँगी और फिर जब तक कलर आ जाएगा। और सॉल्ट मैंने ऐड कर दिया था, बस इसमें टमाटर भी ऐड कर दिया है और इसको थोड़ा सा और पका लूँगी। सो गाइस, मेरी दोनों सब्जियां बन चुकी हैं और ये सब्ज़ी भी आ चुकी है। अब थोड़ा लेट आती है क्योंकि पापा मम्मी जाते हैं, कैंप लगा हुआ है वहाँ पर, योगा और एक्सरसाइज वगैरह कुछ करवाते हैं तो वहाँ पर जाते हैं, तो उनको आते आते 10 बज जाते हैं। तो अब सब्ज़ी मुझे एक दिन पहले मंगानी पड़ती है, मतलब नेक्स्ट डे जो बनानी है। तो बस सब्ज़ी आई थी उसको वॉश करके रख दिया था, अब मैं आटा लगा रही हूँ, फटाफट से रोटियाँ बनाऊँगी और थोड़ी सी पूड़ियाँ निकालूँगी अपने और ईशान के लिए। सो गाइस, ये मेहंदी का कोन रखा हुआ था तो मैंने थोड़ी सी ऐसी लगा ली, ये नहीं दे पाएगा, ये तोड़ी है। मॉल चलो मम्मा। नहीं, क्या हुआ मम्मा? मॉल चलो। क्या करोगे? कुछ नहीं, मॉल जाके क्या करना है? पानी भी आ रहा है, मम्मी इतनी देर से खाया नहीं या कुछ नहीं, खाली मैगी और समोसा खाया, थोड़ा सा समोसा और मैगी खाई है, पानी आ रहा मुँह में। हाई प्रेशर क्या होता है? ट्रिक होता है ये, इसका ये जो फूट करते हैं मम्मा, ये ट्रिक होता है, इसका नाम होता है ट्रिक। अच्छा, सुना? इसका नाम होता है ट्रिक। डकार भी आ गई। पापा ने प्यार से लड्डू खिलाया, हम आने काम करने हैं, हम पापा ने प्यार से लड्डू खिलाया इसलिए डकार आ गई है ना? पापा कुछ कह रहे हैं मम्मा। तुमसे कह रहे हैं पापा? कुछ कह रहे हैं मम्मा, देखो पापा ने लड्डू इतने प्यार से खिलाया कि डकार आ गई। पापा बोल रहे हैं इतनी प्यार से लड्डू खिलाया है, डकार आ गई। ये हम लोग की है क्या? ये क्या हम लोग की है? ये क्या कार? सो गाइस, हम लोग आ गए हैं मॉल, रिशान का बहुत मन था और संडे होता है ना थोड़ा सा निकल जाओ, मुझे बहुत लेजी लेजी सा फील हो रहा था, बस मैंने कह रहा था कम्बल में सोते सोच और लेटे रहो, बट जब निकलो तो अच्छा लगता है। और यहाँ पर क्रिसमस थीम पे पूरा डेकोरेशन हो चुका है, काफ़ी अच्छा लग रहा था। और यहाँ जेड स्क्वायर में ना काफ़ी जल्दी हो जाता है, बस अभी हम लोग जा रहे थे ऊपर, थोड़ा मैक्स में रिशान के कपड़े देखने थे, वुलेंस वगैरह, बट कुछ समझ नहीं आया, ये रिशान खुद ही देख रहा था अपने आप। और हम लोग भी कहते हैं हाँ चलो तुम देख लो साइज़ वगैरह, साइज़ चेक करो,
साइज देख लो 5 to 6। इसमें देखो पड़ता है। ये किसके लिए देख रहे हो? किसके लिए देख रहे हो? ओ सो गाइस, अब हम लोग आ गए हैं फूड कोर्ट और ऋषभ और ईशान गए हुए हैं ऑर्डर देने, तो हम लोग सागर रत्न ही खा रहे हैं। तो आज ऑर्डर क्या है, हम लोग ने छोले भटूरे और ऋषभ ने वही पनीर प्लेटर जो लास्ट टाइम किया था, तो इन्होंने वही कुलचा और पनीर दाल मखनी वगैरह, और तब तक ऋषभ ले आए थे कॉफ़ी गर्मा गर्म, ठंड में तो कॉफ़ी अच्छी लगती है, तो बस थोड़ा सा हुआ कि कॉफ़ी पी लेते हैं, देन तब तक ऑर्डर भी आ गया। तो छोले भटूरे इतने टेस्टी थे, तो खा पी कर अब हम लोग आ गए हैं नीचे थोड़ा सा शॉपिंग करने, थोड़ा कुछ ही सामान लेना था घर का, तो बस वही देख रहे थे। और मॉल आओ तो फिर इधर उधर घूमना तो हो ही जाता है, ये देखो तो ये बस वाले यहाँ पर देख रहे थे। और ईशान अपने में, ईशान को तो मॉल इतना अच्छा पसंद है, मतलब बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है इधर उधर भागना खेलना, फिर मतलब उसको कोई वो नहीं कि पकड़ में नहीं आता है, अपना आगे आगे चलेगा। इधर देखो, इधर स्माइल करो। सो गाइज, अब हम लोग आ गए हैं रिलायंस मार्ट, और यहाँ पर हम लोग को थोड़ा सा मतलब घर का वो राशन वगैरह देखना था, तो राइस मतलब जो हम लोग बाहर से लेते हैं इंडिया गेट, उससे काफ़ी सस्ता मिल रहा था, आई थिंक 120 ऐसे कुछ कम पे मिल रहा था। तो फिर अपने कहा राइस ले लेते हैं 10 kg, और फिर ऐसे ही थोड़ा बहुत घूमा, कुछ ना कुछ सामान मतलब याद आता चल रहा था तो वो लिया। अब हम लोग वापस जा रहे हैं घर, तो ये ट्रॉली हम लोग ले जाएंगे क्योंकि इसमें राइस वगैरह था काफ़ी हैवी, तो कार तक ले गए, और उसके बाद फिर हम लोग घर निकल गए, और काफ़ी लेट हो गया था क्योंकि निकले ही थे हम लोग 7:30। बाबू स्ट्रांग है, बोलता नहीं। स्ट्रांग हो गया, हम कोई चीज टूट, हम छोटे थे कोई चीज टूट, हम अम्मा गई जाते थे गई टूट जाता था, कुछ अंडर करने से टूट जाता था, दो चीज रोने लग जाते थे। हाँ, एक चीज दो चीज होती है, एक चीज टूट जा रही तब भी। एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, और मैं भी ठीक हूँ। बहुत टाइम हो गया मेरा व्लॉग नहीं आया, आई थिंक इस बार एक हफ्ते से ऊपर हो गया, तो बस वही ईशान के ना एग्जाम्स चल रहे थे, तो इस वजह से मैंने थोड़ा सा ब्रेक लिया हुआ था, और थोड़ी उसकी तबीयत भी ठीक नहीं थी, साथ में एग्जाम्स भी थे, और उसका सिलेबस इतना ज्यादा है, मतलब जैसे फर्स्ट सेकेंड तक का समझ लीजिए आप, तो पढ़ाना होता था, और दिन भी इतने छोटे छोटे से होते हैं, 1 बजे उसकी छुट्टी होती थी, 1:30 बजे तक वो घर आता, फिर लंच वंच कराना, देन सो जाता है, फिर बहुत मतलब ऐसे ही टाइम सारा निकल जाता था, घर के काम तो होते ही होते हैं, तो इस वजह से मैंने सोचा चलो जब तक एग्जाम है तब तक मैं ब्रेक लेती हूँ और अच्छे से उसको पढ़ाई वगैरह करा दूँ, क्योंकि रिविजन तो कराना ही पड़ता है, पूरा सिलेबस आया इसके बाद शायद एग्जाम्स नहीं होंगे, क्योंकि इसका प्री स्कूल है तो अब फर्स्ट के लिए एंट्रेंस होगा, तो ये शायद लास्ट एग्जाम्स थे, तो बस इसी वजह से नहीं आ रहा था, और आई थिंक 10 दिन हो गए हैं व्लॉग नहीं आया, और होता है ना एक बार थोड़ा सा गैप हो जाता है तो फिर दोबारा स्टार्ट करना थोड़ा सा, अभी सैटरडेज के एग्जाम्स खत्म हुए, फिर मैंने कहा चलो ठीक है अब संडे को, और थोड़ी बहुत क्लिप्स बनी भी हैं पहले की, तो वो होता है ना कि टाइम ही नहीं मुझे मिल पा रहा था कि मैं उसको एडिट करूँ और मतलब व्लॉग डालूँ, तो मैंने सोचा कोई नहीं चलो अब संडे को स्टार्ट करूंगी, तो कल मैंने स्टार्ट किया, तो बस मैं एंड नहीं कर पाई थी कल, काफ़ी लेट हो गया था हम लोग को आते आते, उसके बाद फिर दूध वगैरह पिया और सो गए क्योंकि सुबह शान का स्कूल था, तो बस मैंने सोचा चलो फटाफट से एंड कर देती हूँ, और अब कोशिश करूँगी थोड़ा रेगुलर रहूँ, तो इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करती हूँ, तो अगर आपको पसंद आए तो लाइक करेगा, कॉमेंट करेगा, शेयर करेगा,
और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करेगा। मिलती हूँ फिर आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखे और खुश रहे।